Hello everyone, I am Dr. Shalini Gupta, Department of Chemistry at KCMT Bareilly. Now, we are discuss about a very important topic in chemistry, Hund and Pauli principle. किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, एटम्स में स्थित ऑर्बिटल्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, यह सब जानने के लिए या इन सब को जानने के लिए हम हुंड्स रूल स्टडी करते हैं. हुंड्स ने हमें बताया कि किस तरीके से एटम में तथा ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज रहते हैं और किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. हम जानते हैं कि एटम्स जो है वो शेल्स, सबशेल्स तथा सबशेल्स जो हैं वो ऑर्बिटल्स में डिवाइड रहते हैं. ये एनर्जी लेवल्स, इन एनर्जी लेवल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. एन की वैल्यू 1, 2, 3 आदि कुछ भी हो सकती है. जैसे जैसे शेल्स बढ़ते हैं वैसी वैसी एन की वैल्यू भी बढ़ती है. ये एनर्जी लेवल्स सब लेवल्स या सब शेल्स में डिवाइड रहते हैं. इनको हम एस, पी, डी, एफ आदि से रिप्रेजेंट करते हैं. इन यही एस, पी, डी, एफ में ऑर्बिटल्स की संख्या अलग अलग होती है. ये सब लेवल्स ऑर्बिटल्स से बनते हैं और प्रत्येक ऑर्बिटल में ऑर्बिटल्स की संख्या भी डिफरेंट होती है. जैसे एस है तो एस सब शेल्स में 1 ऑर्बिटल होगा, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, डी सब शेल्स में 5 ऑर्बिटल होंगे एंड एफ सब शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एक ऑर्बिटल में, प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं. अब हम बात करते हैं हुंड्स रूल की, कि हुंड्स रूल क्या बताता है हमें, किस तरह से वो इनके अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है. हुंड्स ने यह रूल 1925 में दिया था. हुंड्स ने यह बताया था कि किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है तो उसकी पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में रहना चाहते हैं जिससे उनका स्पिन समांतर रहे. प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिससे उनके स्पिन की दिशा हमेशा विपरीत होती है. एक क्लॉकवाइज होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है. पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाता है जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है और वो सबसे अधिक स्टेबल होता है, मीन्स जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है. पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है जिसमें जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, देन अगली कक्षा में, अगले ऑर्बिटल में प्रवेश करता है. इसके लिए हमें ऑर्बिटल्स का डायग्राम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उन ऑर्बिटल्स किस शेप में होते हैं. ऑर्बिटल्स को हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का, जिससे हम आपको हुंड्स रूल डिफाइन करते हैं. नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p3. मींस s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड 2p में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 1s पूरा है, फिल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है. 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं आपको डायग्राम में एंड 2s में भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं. अब बात करते हैं पी इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल की. पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें हम दिखाई दे रहा है ये आपको, देखिए कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में भरे गए हैं. उनका पेयरिंग नहीं हो सकता जब तक कि तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए. पहला तरीका हम देख रहे हैं, देखिए उसमें फर्स्ट एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी स्पिन चेंज है. इसलिए से बात करते हैं 2p में तीनों की स्पिन सेम है. ये इसका सही तरीका है फिल करने का. एंड द नीचे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट है 2s एंड 2p. इसमें हमने जो 2p में फर्स्ट बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं जो कि हमारा गलत है. पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तब उसकी पेयरिंग होगी. एक अगले एग्जांपल में देखते हैं ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p4. इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन चेंज है. 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन चेंज है एंड 2p पहले
तीनों बॉक्सेस में एक एक इलेक्ट्रॉन गया है तब फर्स्ट में इसकी पेयरिंग हुई है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इनकी पेयरिंग ना करें या फर्स्ट में पेयरिंग ना करके पहले सेकंड में पेयरिंग कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। पहले उसी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। इस प्रकार से हुंड रूल अपना काम करता है और इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट तथा डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाउलीज के बारे में। पाउलीज ने क्या बताया? पाउलीज ने हमें यह बताया कि किसी भी एटम में स्थित ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एक नहीं हो सकती। मींस किसी भी ऑर्बिटल में स्थित इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम नंबर्स या एन एल एम तथा एस इन चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। यदि किसी कंडीशन में एन एल एम की वैल्यू सेम हो भी जाए तो एस की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों की स्पिन चेंज होती है। अब हम बात करें इसे एक एग्जांपल के तौर पे, यदि हम किसी रूम में हैं, उस रूम में बहुत से लोग हैं, सबकी अपनी अलग अलग पोजीशन है, कैसा हो सकता है कि एक ही समय में एक ही जगह पर दो बंदे हों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद सोच कर देखिए, मैं जहाँ खड़ी हूँ क्या दूसरा व्यक्ति भी मेरी जगह उसी समय खड़ा हो सकता है? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि वो मेरे बराबर में खड़ा हो सकता है, मेरे बहुत क्लोज हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मेरे पोजीशन पर नहीं हो सकता। सेम कंडीशन ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की भी है। किसी भी एक एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। हाँ, अलग अलग एटम की बात करें तो उसमें हो सकती है, लेकिन हम चूँकि किसी एक ही एटम की बात करें तो उसमें चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। उनके अगर एस की वैल्यू हमेशा ही चेंज होगी, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और दोनों को स्पिन चेंज होती है। यदि किसी भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एम की वैल्यू प्लस हाफ और सेकंड के लिए माइनस हाफ होती है। थैंक यू फॉर लिसन टू मी।